नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे यानी आपके चैनल किसान भारती में। जी हाँ किसान भाइयों, आज का ये कार्यक्रम थोड़ा अलग है क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में हम चलेंगे ओखला मंडी में और जानेंगे कि वहाँ के फल व्यापारियों की क्या समस्याएं हैं और उनकी सरकार से क्या मांग है। तो देखते हैं ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ओखला सब्जी मंडी में रहता हूँ, ना व्यापारी नहीं, ग्राहक नहीं, माल ही नहीं बिक रहा, कस्टमर ही नहीं है। आदमी इतना परेशान है कि काम धंधे से परेशान है आदमी बैठा हुआ है, कोई ग्राहक नहीं है, कोई पल्लेदार है, कोई आड़ती है, कोई मासे पड़े गई मंडी के ये, बाकी बाहर का आदमी कोई नहीं है, बाहर का कोई व्यापारी नहीं है। इस समय की तो मार्केट इतनी खराब है कि 10 रुपए किलो आदमी लेने को तैयार नहीं है। ये 15 रुपए किलो खरीदा, 4-5 रुपए किलो हमारा जाना, समस्या क्या है, क्या करेंगे? ग्राहक ही नहीं मंडी के अंदर, सरकार इतनी गरीबी है कि सरकार ने कोई काम ही नहीं दिखाया, काम ही नहीं करा आगे जो पब्लिक पड़े। मैं तो सर छोटा व्यापारी हूँ और 3 दिन हो गए मुझे रेडी लगा हूँ, थोड़ी जो जिम्मे और हम लोग की कैसी हालत हो रही है, यहाँ पे कोई ग्राहक आने को तैयार नहीं है। जो ग्राहक आते थे वो तो घर दहशत के मारे घर चले गए, कोई यूपी का था, कोई बिहार का था, कोई कहीं का था, कोई ये काम करने के लिए तैयार नहीं है। सर मेरा 40 रुपये किलो का अमरूद खरीदा हुआ है और ये 20 रुपये किलो का भी कोई पूछने को भी तैयार नहीं है। सर हम बहुत परेशान हैं इस टाइम, इस वक्त कारोबार के मामले में कारोबार 1 रुपये का भी नहीं है। इससे पहले 2-3 साल पहले तो तक तो बढ़िया मामला था, अब मामला जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ये ओखला मंडी की इतने ग्राहक आते थे, इस टाइम यहाँ पे लोगों का माल इतना सड़ रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई वो नहीं है। सर ये देखो संतरे को आज 15 दिन हो गए लगा हुए हैं, कोई 10 रुपये किलो का भी कोई पूछने को तैयार नहीं है। देखो अमरूद है अपने पास, अमरूद ये देखो कैसा दागी हो रहा है। हम इस टाइम कारोबार से बहुत परेशान है, जब से सरकार आई है इन सरकार से हमारी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि ये ऐसा काम करना छोड़ दे जिसकी वजह से हम परेशान हैं, हम तो गरीब हैं। ओखला सब्जी मंडी में मेरा काम है पाइनएप्पल का, अनार का और संतरा किन्नू का। किन्नू आप देख सकते हो, यहाँ पे कैमरा कीजिए, यह है किन्नू, आप देख सकते हो इतनी मारामारी चल रही है, यहाँ पे बाजार में दुकानदारी है नहीं और सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि दुकानदारी हो ही नहीं। और मैं खुद अनार बेच रहा हूँ, 2 दिन से मैं बिना बोनी करे जा रहा हूँ घर से, ये हालात आ गए काम कारोबार के। तो सरकार ने क्या कर दिया किसानों के लिए या किसी दुकानदारों के लिए या व्यापारियों के लिए, हमारे लिए क्या कर दिया सरकार ने? जो सरकार कह रही है कि हमने ये करा हमने वो करा, क्या कर दिया? आज आप हर एक से पूछ लो तो हर एक आदमी परेशान है। पाइनएप्पल इस टाइम पे हमारा आ रहा है 28 रुपये, 30 रुपये, जहाँ यहाँ पे 25 रुपये किलो, 22 रुपये किलो, जब बिकी नहीं रहा है 20 रुपये किलो तलब का आप तुलवा लो, मैं अभी तोल के देने के लिए तैयार हूँ। क्यों? काम है ही नहीं, पैसा पानी है नहीं, कम से कम जो रकम आनी चाहिए वो तो आ जावे। जैसा कि आपने देखा हमारे देश के फल व्यापारी ढंग से व्यापार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें कई सारी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका माल बिकी नहीं रहा है, कई कई दिन हो जाते हैं उनका माल स्टॉक में यूं ही पड़ा रहता है और वो सड़ जाता है। उनकी सरकार से एक ही गुजारिश है कि उनको कुछ सुविधा दी जाए। जी हाँ दोस्तों, किसान भारती के साथ जुड़े रहिए और हमें अपने सुझाव लिख भेजिए ताकि हम और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए बना सकें। धन्यवाद किसान भाइयों। किसान भारती YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए जिससे कि कृषि संबंधित अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके।